दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSC अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2024 एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं फाइनल एडमिट कार्ड, ठीक है। आप लोग का फर्स्ट एडमिट कार्ड भी आ जारी कर दिया, सेकेंड भी आप लोग आ चुका है। अब जो आप लोग का फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, तो इसको लेकर भी शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस आया है, ठीक है, उसको मैं बताऊँगा। साथ ही साथ जो है बिहार बोर्ड क्या नोटिस भेजा है आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि आप लोग का फाइनल एडमिट कार्ड जो है वो आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए ये भी आप लोग के सामने आ रहा है कि आप लोग पूरा न्यूज़ यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे साफ साफ देखिए क्या बताया गया है कि सेंटअप छात्र अगर क्लास नहीं आ रहे तो रोक दे एडमिट कार्ड। के पाठक यहाँ पे पाठक ये कहना है कि यहाँ पे अगर सेंटअप मतलब कि जो आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, आप लोग क्लास नहीं जा रहे यानी कॉलेज या स्कूल नहीं कर रहे हैं जो टेंथ में और ट्वेल्थ में, ठीक है, तो सभी का एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा। यहाँ पे के पाठक बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए आप लोग को दिखाते हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को भागलपुर के बैजानी पहुँचे उच्च विद्यालय में व्यवस्था देखकर वे संतुष्ट हुए। उसके बाद देखिए यहाँ पे चीज़ें आप लोग को नीचे दिया गया है कि आप लोग को देखिए कि नीचे दिया गया है कि यहाँ पे कि सेंटअप जो सेंटअप कर चुके बच्चों को विद्यालय आने का निर्देश दे, ऐसा नहीं करने वाले बच्चों को एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि एडमिट कार्ड भी आप लोग को रोक दिया जाएगा जो भी स्टूडेंट नहीं जा रहे, तो आप लोग रेगुलर स्कूल जाइए, ठीक है दोस्तों। लगभग आप लोग जनवरी तक पूरा जनवरी का 15 से 16 जनवरी तक पूरा रेगुलर स्कूल जाइए, उसके बाद ही आप लोग जो है और बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी करिए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं अब कि आप लोग को एडमिट कार्ड कैसे आप लोगों को कब जो है जारी किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग अब जो है फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा क्योंकि आप लोग के पास दिसंबर और जनवरी का महीना बचा हुआ है लास्ट, ठीक है। अभी आप लोग को प्रैक्टिकल का भी एडमिट कार्ड आएगा, तो सब कुछ का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो आप लोग का एडमिट कार्ड जो है आप लोग को वो जनवरी के महीने में जारी किया जाएगा, ठीक है। वही आप लोग को एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम से लगभग 15 दिन पहले जारी करता है, ठीक है। यानी कि आप लोग समझिए कि एडमिट कार्ड आप लोग को 15 जनवरी तक आप लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अभी बहुत टाइम है दोस्तों एडमिट कार्ड में, अभी फाइनल एडमिट कार्ड में आप लोग का टाइम है तो जारी किया जाएगा। आप लोग को चेक कैसे कर पाएंगे, तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग बजे पे आ जाए, आने के बाद सिंपली आप लोग को सर्च कर देना है यहाँ पे स्टडी सिलेबस, देखिए यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए स्टडी सिलेबस सर्च करिएगा ना, तो सिंपली इस पर आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अपडेट में देखिए यहाँ न्यू अपडेट का ऑप्शन है ना, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखेगा बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है। आप जो आप लोग का फाइनल एडमिट कार्ड आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग को सारा अपडेट मिलता रहता है एडमिट कार्ड को लेकर। तो आप लोग रेगुलर क्लास करिए तभी आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा बोर्ड के द्वारा, ठीक है। और सेंटर भी ज़्यादा दूर नहीं देता है, इंटर वाले का सेंटर भी दूर नहीं देगा, मैट्रिक वाले का थोड़ा सा दूर दे देता है सेंटर, ठीक है। आप लोग को डाउनलोड लिंक मिलेगा यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस का, तो ज़्यादा कुछ अपडेट होगा कुछ ही दिनों में आप लोग का एडमिट कार्ड जो है जनवरी के महीने में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। एग्जैक्ट डेट आप लोग को बताया हूँ कि आप लोग को जनवरी 15 जनवरी से पहले आप लोग का एडमिट कार्ड यानी कि 1 से 15 जनवरी के बीच ही एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। उससे पहले नहीं जारी होता है, ठीक है, हर साल बिहार बोर्ड सा करता है। तो अगर वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा वीडियो को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक फॉर वॉचिंग।